अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो गई है, जिसका समापन 22 जनवरी को मंदिर की रामलला के विराजमान होने के बाद होगा। इससे पहले अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या को सजाने और सुगंधित वातावरण देने के लिए सरकार की ओर से नगरी के अलग अलग स्थानों पर त्रेता युग की तर्ज पर पार्क बनाए जा रहे हैं। इस पार्क में प्राचीन वनस्पति और रंग बिरंगे पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जो रामायण काल के उपवनों की याद दिलाएंगे। तो आइए संत श्याम से जानते हैं इस पार्क की खास बातें। रामचरितमानस या महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण अगर पढ़ेंगे तो सब जगह पार्क का उपवन, जिसे पार्क का जो हिंदी है उपवन है, और ये उपवन की परंपरा प्राचीन सतयुग से ही रही है। और आज अयोध्या में हरित क्रांति के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लगातार सोलर सिटी विकसित हो रहा है और जगह जगह यहाँ पे पार्क लग रहे हैं। इस पार्क की विशेषता ये है कि यहाँ जो हमारे सरकार है उन्होंने नए नए तो पुष्प को लगाया ही है और अच्छे अच्छे प्राचीन वृक्षों की भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें कि एक महाराष्ट्र से सामने जो एक अजान वृक्ष जिसे गोरक्ष बल्ली के नाम से या सिद्धवट के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के पुणे से लाया गया है और बड़े मतलब ज्ञानेश्वर एक सिद्ध संत हुए जिनकी छड़ी से वो प्रकट हुआ है, जिसके नीचे तपस्या करने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं अशोक, जिस मैया जान की जो लंका में रही वो अशोक वृक्ष भी यहाँ बहुत सामने, मौल श्री आदि और बड़े बड़े मतलब सुंदर सुंदर पुष्प बहुत सारे, हर प्रकार के नए और पुराने दोनों वृक्ष और पुष्पों को समावेशित कर करके और ये पार्क विकसित किया जा रहा है। और यहाँ क्रूज लाइन भी बन रहा है, जहाँ के जल मार्ग, थल मार्ग और हवाई तीनों मार्ग में यहाँ पे योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। बगल में हेलीपैड भी है, एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है, हाईवे भी देखिए, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, इसलिए बहुत यहाँ पे विकास की अद्भुत अविरल धारा बह रही है। और आज अयोध्या में ऐसा लग रहा है वही त्रेता युग का जो रामायण कालीन जो स्मरण आते हैं आज साक्षात हम सब देख सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।